यहाँ से रही ना दीदी, इसलिए अब जो छोड़ के जा रही है ना, रो रही है बहुत ज्यादा, मुझे भी रोना आ रहा है, बट हम नहीं दिखा सकते दोस्तों। सकते हैं दोस्तों, दीदी के लिए संदेशा आ चुका है और अभी यही जो है ना देख करके भेजेंगे, क्या बताएंगे दोस्तों, हम लोग हरवरी में नहीं बना पाए संदेशा। दोस्तों प्रणाम कर रहे हैं नुनू, और अभी दीदी जा रही है, भांजा भी जा रहे हैं, सबको प्रणाम करो, जा चुप, रोना धोना ना है, अरे इतना आदमी, दीदी प्रणाम कर रही है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, आप सबका स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों देखिए, आज जो है ना आरती जी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और क्या चीज़ का टेंशन हुआ है दोस्तों आप लोग तो जानवे करते हैं, नहीं जानते हैं तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को हम बताते हैं दोस्तों। आरती जी आप ही बोल दीजिए कि आज क्या हुआ है आपको, इतना ज़्यादा टेंशन में हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं, क्या बताएंगे दोस्तों, आज मतलब 2 महीने से डॉक्टर जी पूरा कंप्लीट बेड रेस्ट में बोले थे, तो हमारी छुट्टी वाले नाना जो है ना हमारे घर तक खाना पहुंचाते थे, जो कि सीधी कितना दूरी हमको, जो कि अभी देखिए कितना दूरी में है दोस्तों, वहाँ से इस घर से हम एक बार दो बार निकलते थे नीचे, नहीं तो बाद यहीं पे खाना, यानी हमको किचन का कोई टेंशन ही नहीं रहता था, कौन खाए क्या बना नहीं बना, जब जो मन होता था अपने मन से सेवाएं हो, सब्जी हो, दाल हो। देखिए दोस्तों, आदमी अगर जब एक जगह रहते हैं ना तो उसका अहमियत पता नहीं चलता है, हमको सब दिन एक जगह रहने से भी हमको अहमियत पता चल गया, नहीं तो आपको पता चलता है, बहुत जगह देखे हैं दोस्तों, ननद भौजा अगर एक जगह रहते हैं ना तो मतलब एक दूसरे को देख के जलवे करते हैं, जैसे ननद नहीं रहते, लेकिन हम तो खुद पहले भी बोलते थे ना आपको कि मेरी छोटी वाली सिस्टर जो है ना सिर्फ काम से मतलब रखता है दोस्तों, जो भी काम काज है ना, पता था ना हमको भी पता है, जो कि इन्हीं के गांव में जो है इनका घर है ना, तो दोस्तों आज वो चल जाएगी इसीलिए जो है ना, यानी कि यहाँ तक भी दोस्तों हम आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ तक भी 2 महीना कंटिन्यू इनका कपड़ा तक, मेरा कपड़ा, मम्मी का, पापा का, सब अपना बाल बच्चा का, आप सोचिए कितना परिवार, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7 7-8 आदमी का कपड़ा धोना, खाना बनाना, घर सब संभालना, सुबह में भांजी सब जाती थी तो उनका अलग खाना, वो जो बनाती थी उनको बना देते थे, फिर पापा के लिए रोटी, फिर आज दोस्तों अभी दीदी उधर जो है ना नहा रही है, और क्या बताएंगे, आज उसी के वजह से जो है ना इतना ज्यादा टेंशन हो गया जा रही है, और आरती जी भी काफी ज्यादा टेंशन में है, क्या करोगी, मान लो अब सब दिन थोड़ी रह सकता है दोस्तों, सब दिन थोड़ी रह सकता है दोस्तों, उनका भी घर है, उनका मकई वगैरह कटने वाला है, मकई है ना, फिर उधर घर में किसी का तबीयत खराब हो गया इसलिए जा रही है दोस्तों, नहीं तो इतना दिन छोड़े हैं दुख में, दुख में अगर साथ दिया तो इससे बढ़ के क्या है, कुछ नहीं, जब भी बोलते हैं तो आ जाती है, कोई भी सब चीज से सहारा होते हैं, तब तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों, आप लोगों को दिखाएंगे, सो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा है ना, फुल वॉच कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अभी जो है ना रो रही आरती जी, हम क्या बताएंगे दोस्तों, अभी दीदी जा रही थी ना रोने लगी है, क्या बताएंगे दोस्तों, कितना 2 महीना से रही ना दीदी, इसलिए अभी जो छोड़ के जा रही है ना रो रही है बहुत ज्यादा, मुझे भी रोना आ रहा है, बट हम नहीं दिखा सकते दोस्तों। दोस्तों जा रहे हैं अभी दीदी खींच करके, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं, पता नहीं, कपड़ा लत्ता भी जो है ना झोला में डाल रहे हैं दोस्तों, अच्छा से डाल दो ठीक है, अरे रोना धोना बंद करो ठीक है, आ जाएंगे फिर, इसमें क्या है, रोएगा तो आंख फूल जाएगा ठीक है, रोना बंद करो, एक दूर थोड़ी जा रहे हैं विदेश, बगल में है, फिर से आ जाएगी दीदी ठीक है, टेंशन नहीं लेना है ठीक है, एक बार हंसो तो, ओ लो 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 लो। तो दोस्तों अभी फिलहाल जो है ना काफी ज्यादा रो रही है और टेंशन में है दोस्तों, क्या बताएंगे, सो आप लोग बने रहे और आगे दिखाते हैं दोस्तों, जो कि आप लोगों को बताएंगे ना सच्चाई, तो आप लोग को भी शॉर्ट लगेगा दोस्तों कि आखिर क्यों रो रही है, किस लिए रो रही है ना, चलिए
सो बनेर है उधर, दीदी जो है भोले बाबा को प्रणाम कर रही है दोस्तों, है ना। सकते हैं दोस्तों दीदी के लिए संदेशा आ चुका है और अभी यही जो है ना देख करके भेजेंगे, क्या बताएंगे दोस्तों। हम लोग हरवरी में नहीं बना पाए संदेशा, इसलिए मुढ़ी का पैकेज मंगाए हैं, देखिए है ना। ये देखिए बाबू अभी नया शर्ट पहना है और कैसे लग रहा है कमेंट करके बताइए। और दीदी भी अभी आई है, आरती जी सब हंस रहे हैं लेकिन आरती जी रो रही है दोस्तों, आप लोग देखिए नजदीक से, और झोला लेके खड़ी है। हे भगवान, तभी तो हमको भी रोना आ गया था, लेकिन क्या करेंगे दोस्तों, फिर भी टेंशन हो जाता। आरती जी को ही पता होगा कि दीदी रहती थी तो कितना मतलब जो है इनको सुख मिलता था, लेकिन अभी जाएंगे ना तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, है ना, इसलिए रो रहे हैं दोस्तों। चलिए जखनी कह देव कि जीजाजी अखनी हमरा पहुंचा दे, हम अखनी पहुंचा देव, समझला तक तोरा हम कहियो तकलीफ भेज दलिए कोनो गप में की कहलक। दोस्तों बहुत ज्यादा आदमी है, है ना, और वहाँ पे जीजा समझा रहे हैं आरती जी को नहीं रोने के लिए, है ना। देखिए दोनों जो है चुप करा रहे हैं दीदी आरती को, देखिए चुप करा ना की है, लागे छे कि दोबारा ना एते। दीदी टेंशन मत लो, हम है ना, अरे कोई नहीं देगा ना खाना बना के, हम है ना, हो की कहता है ठीक है, टेंशन मत लो मेरे रहते हुए, ठीक है। चलिए देखिए कितना ज्यादा आदमी आ रहे हैं दीदी को छोड़ने के लिए दोस्तों। तो मम्मी कितना बड़ा संदेशा जो है लेके पीछे पीछे जा रही है, और यहाँ पे जो है ना और भी आदमी सब है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे अभी सब जो है ना दोस्तों प्रणाम कर रहे हैं नुनू, और अभी दीदी जा रही है, भांजा भी जा रहे हैं, सबको प्रणाम करो, जाए खुश रहो खुश रहो खुश रहो, सबको प्रणाम कर रहा है, चुप रोना धोना ना है। अरे इतना आदमी देखो ना गे की कर भाई चाची एक बीते नई खातिर कान दोस्तों। फिलहाल अभी जो है ना हम लोग निकल रहे हैं, और अभी दीदी उधर देखिए, दीदी इतना सारा सामान है लेकिन दीदी लेके आ नहीं पा रही है, लाओ इधर और लाओ सारा सामान लाओ, यही ले रे प्रणाम कर रही है।